के प्लस 14 माइनस 6 को यहाँ लेके आएंगे 15 के प्लस 6 के 21 के, 21 को 14 को 21 से डिवाइड करें तो के इक्वल्स टू 14 बाई 21। आपके पास क्या आ जाएगा, ये 7 टू ज़ा 14, 7 थ्री ज़ा 21, 2 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास 4 के x² प्लस 3 के x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले हम लेट करेंगे अल्फ़ा बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं हमारे पास। कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स जो हैं वो 2 के इक्वल हैं, यानी रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा हैं, तो इनके स्क्वेयर्स का सम, इन दोनों का स्क्वेयर लें उसका सम हमारे पास 2 के इक्वल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्व करते हुए ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ए हमारे पास 4 के है, बी 3 के है और सी माइनस 8 है। तो सम हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3 के, ए की वैल्यू 4 के, के के से कैंसिल होगा तो हमारे पास सम ऑफ द रूट माइनस 3/4 आएगा, यानी अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास माइनस 3/4 है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, इसका फॉर्मूला है आपको पता है, सी हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 8/4 के, 8 और 4 कैंसिलेशन होगी यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 2/k, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास है माइनस 2/k। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेट करेंगे। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हमें पता है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो इन तीन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपको समझ आ रही है यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये उसी टाइप का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है। इसको आपने क्लोज कर लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब हमने माइनस के साथ क्यों नहीं क्लोज़ किया, क्योंकि फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं होती, अल्फ़ा प्लस बीटा की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस 3/4 है, अल्फ़ा बीटा की माइनस 2/k है, माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4/k हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर लेंगे 9/16। अब आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे आप ले आएँ और 2 के साथ ऐड करें, 2 − 9/16, 2 का डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, 1 और 16 का एलसीएम 16, यहाँ क्या आ जाएगा 16 × 2 = 32, माइनस 9 23/16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 × 16 = 64 = 23k। ठीक है, 23 को यहाँ डिवाइड करें क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, 23 k की नहीं, तो k हमारे k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 64/23।